हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको थ्री पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम पेपर में कटिंग करेंगे इसकी। तो ये हमारा पेपर है, यहाँ ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, तो यहाँ 16 इंच लेंगे हम 2 इंच सिलाई के लिए। 5 इंच हमारा शोल्डर है, तो इस तरह से लाइन खींच लें। हमारा आर्मोल है 5.5 इंच, इसे भी इस तरह से लाइन खींच लेते हैं। सीना है 31 इंच, इसका हम चौथा भाग लेंगे 7.25 इंच पर, और 1.5 इंच हम सिलाई के लिए ले लेते हैं। हमारा कमर पट्टी है 3.5 इंच, तो 1 इंच हम सिलाई के लिए लेंगे, 4.5 इंच पर हम टीक लगा लेते हैं। इस तरफ से हमारा 2.5 इंच है, तो हम यहाँ पे 3.5 इंच ले लेते हैं और इस तरह से लाइन खींचते हुए मिला लेते हैं। यहाँ पर हम 2.5 इंच लेंगे शोल्डर का, और हमारे गले की लंबाई है 6 इंच, 1/2 इंच हम सिलाई के लिए ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे आर्मोल को शेप दे देते हैं। यहाँ पर हमें शोल्डर के बीच का भाग लेना है, और यहाँ पर हम 2.5 इंच पर लाइन खींच लेते हैं और 1.25 इंच पर दोनों तरफ टिक लगा लेते हैं और इस तरह से लाइन खींच लेते हैं। अब हम इसे इस तरह से शेप दे देते हैं। तो ये कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इसे इस तरह से रख ले और सामने की तरफ 1/2 इंच बढ़ाते हुए इस तरह से निशान लगा लेते हैं। और इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम इस वाले भाग को भी इस तरह से रख लेंगे और इसमें भी हम 1/2 इंच सिलाई के लिए इस तरह बढ़ा लेते हैं और चारों तरफ निशान लगा लेते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम कपड़े पर रखकर इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा कपड़ा है जो हमने पेपर में कट किया था, हम इसे इस तरह से रख लेते हैं और चारों तरफ निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर हमें 1/2 इंच सिलाई के लिए बढ़ाना है, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस वाले भाग को भी हम इस तरह से रख लेंगे और इस तरह से बढ़ाते हुए चारों तरफ निशान लगा लेते हैं और इसकी भी कटिंग हम कर लेते हैं। ये हमारा कमर पट्टी है, इसकी भी कटिंग हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कपड़े का कटिंग कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से आप रख लें, जब भी आप इसकी सिलाई करते हैं आप नीचे से ही करें,
तो हम इसे इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। अब हम कमर पट्टी ज्वाइन करते हैं इस तरह से। इस वाले भाग को भी हम इसी तरह ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमें इसमें कांच पट्टी ज्वाइन करना है। इस तरह से और इस तरह से हम कमर में भी पट्टी ज्वाइन कर लेते हैं। इसी तरह सेम दूसरे वाले भाग की भी हम सिलाई कर लेते हैं। तो ये हमारा थ्री फ्रीज प्रिंसेस कट ब्लाउज की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।